फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है ना, हमारी स्किन पे तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि है डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। मोस्टली मैंने कई फीमेल्स को देखा है जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, साथ ही डार्क स्पॉट्स भी होते हैं। सो वो कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लें या फिर कोई भी क्रीम अप्लाई कर लें तो ये सब प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है इसी बारे में है कि आपको अपनी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को किस तरह से रिड्यूस करना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, जब तक आप उसे रेगुलरली यूज नहीं करते तब तक आपको उसका रिजल्ट जो है वो पता नहीं लग सकता। सो आप कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करें तो उसे कम से कम 7 to 10 days के लिए यूज करके देखें, उसके बाद ही आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा कि वो आपकी स्किन पे वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन के लिए मैंने भी एक प्रोडक्ट जो है वो ट्राई किया है। मैं बात कर रही हूँ बायोडर्मा ब्रांड की। जी हाँ फ्रेंड्स, बायोडर्मा के इस बार मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं उन प्रोडक्ट्स में से एक ही प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। सो मैं बात कर रही हूँ बायोडर्मा के इस पिगमेंट बायो फॉर्मिंग क्रीम की। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको इसी साइज में मिलता है और इसकी क्वांटिटी आपको 200 ml मिल जाती है। इसका जो भी प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी एंड जो भी डिस्काउंट वगैरह होगा वो आपको अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है, इसकी कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं आती, ये आपको इसी तरह से रिसीव होता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, जिसमें कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें AHA दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, AHA जो है ये आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि जब भी आप AHA को स्किन में यूज करते हैं उसके बाद आपको सन एक्सपोजर में जब भी जाना है या फिर घर पे भी रहना है, तो AHA ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन को लगाना मस्ट हो जाता है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लींजर है ना, ये एक एक्सफोलिएटिंग क्लींजर है। एक्सफोलिएट मींस कि इसके अंदर आपको बड़े छोटे छोटे से ग्रैनुल्स दिए गए हैं और ये जो ग्रैनुल्स है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। साथ ही ये जो इसका टेक्सचर है काफ़ी क्रीमी फॉर्म में आता है और यहाँ पे मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है, आप इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज़ करें अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो आपको इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज़ करना है। स्किन को बड़ा ही लाइटली मसाज करना है, कम से कम 2 मिनट के लिए आप इसे स्किन पे हल्के हाथों से मसाज करें और फिर इसे वॉश ऑफ कर दें। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये क्रीमी फॉर्म में होने के कारण आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा बिल्कुल भी और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, सॉफ्ट बना के रखेगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो क्लींजर है स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। सो अगर आप इसे डेली यूज़ कर रहे हैं तो एक्सफोलिएशन तो साथ में होती रहेगी, साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जो है वो भी आपको रिड्यूस होते हुए नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, बायोडर्मा के इस फॉर्मिंग क्रीम को आप एज मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे वीक में 1 या 2 बार मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आपको इसकी एक थिक लेयर अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लेनी है और इसे लगा रहने देना है। इसके बाद आप हल्के हाथों से मसाज करके इसे वॉश ऑफ कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसे यूज करने के बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, साथ ही सनस्क्रीन भी जरूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मैं कहूंगी कि अगर आप सनस्क्रीन को अपनी स्किन के रूटीन में शामिल कर लेते हैं बिना स्किप किए तो डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बिकॉज मैंने देखा है कि कई बार सनस्क्रीन जो है हम स्किप कर जाते हैं, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन को स्किप नहीं करते तो मोस्टली आप देखेंगे कि आपकी स्किन में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। बिकॉज अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते तो इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने का भी हमें कोई फायदा नहीं मिलता और फिर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। सो फ्रेंड्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डेली यूज करने के बाद ही उनका रिजल्ट पता चलता है, कुछ का रिजल्ट तो आपको इंस्टेंट पता चल जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट तो रखता है, साथ ही अगर आपकी स्किन जो है इवन नहीं है उसे भी ये इवन बना देता है। मैंने इसे ट्राई करके देखा है, सो आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन की प्रॉब्लम है तो बायोडर्मा का ये पिगमेंट बायो
फॉर्मिंग क्रीम आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका जो भी परचेज लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप खुद से भी किसी भी वेबसाइट से सर्च करके इसे बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए। आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।